तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में पहले कहा गया है कि कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल पहले 15% गेन पे कोई बेचता है, फिर उसी आर्टिकल को 20% गेन पे बेचता है। तो 15 से 20% वो गेन पे बेचता है तो इससे उसको फ़ायदा कितना हो गया, 27 रुपया का और फ़ायदा हो गया। तो वही पूछा गया उसका कॉस्ट पर, उसका लागत मूल्य उसका क्या था। तो देखिए यहाँ गेन हुआ है 15%, तो गेन 15% है, 15% है गेन। तो आप 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, 3/20। मीन्स आपका जो 20 यूनिट है आपका ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और इस पर आपको प्रॉफिट हो गया 3 का, तो 20 और 3 23। मीन्स आप देखिए यहाँ CP यहाँ लिख देते हैं, यहाँ SP लिख देते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन के साथ देखिए 20 है और ये 3 रुपया जो गेन हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यू 3 गेन हुआ है, तो 20 में आप 3 जोड़िएगा तो 23 आ जाएगा। मीन्स कोई आप आर्टिकल 20 यूनिट का था, अब आप इसे 23 यूनिट में बेच रहे हैं तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया, 15% का। फिर बोला गया कि इसी आर्टिकल को हम 20% गेन पर बेचेंगे। आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/5 आएगा। तो यहाँ से आप ये सेकंड केस लेते हैं, तो देखिए 5 ये कॉस्ट प्राइस हो गया, 5 लिख दें, फिर इस पर गेन हुआ है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, यहाँ 6 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में कहा नहीं है कि ये कॉस्ट प्राइस चेंज होगा, कॉस्ट प्राइस एक ही रहेगा दोनों केस में। तो आप इस पूरे इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगा, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगा, और ये आपका सेलिंग प्राइस 24 हो गया। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है दोस्तों कि मतलब आप 23 से 24, मतलब आप कितना हो गया आपका 23 से 24 यूनिट, मतलब पहले सेलिंग प्राइस 23 यूनिट था, अब कितना, 24 यूनिट। मतलब एक यूनिट का जो डिफरेंस है, ये एक यूनिट है, ये कितने के बराबर हो गया आपका, 27 रुपये के बराबर हो गया ये एक यूनिट। ठीक है, ये एक यूनिट का डिफरेंस 27 यूनिट का आ गया। तो पूछा गया कॉस्ट प्राइस, देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना है, यहाँ भी 20 यूनिट, यहाँ 20 यूनिट है दोनों जगह है। तब 20 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो 20 वैल्यू कितना हो गया, 27 है, 27 × 20 कर दीजिएगा तो आपका 540 आ जाएगा। आपका 540 क्या हो गया, आपका ये कॉस्ट प्राइस हो गया इस आर्टिकल का दोस्तों। ये रहा आंसर, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोस्तों कि अशोक है कोई और एक कोई नितिन है, दो इंसान है अशोक और नितिन। कहला कि अशोक इज 3 एज गुड एज वर्कमैन एज नितिन। कोई अशोक है, ठीक है, और ये कोई नितिन है। बोला गया कि अशोक 3 गुना मतलब अच्छा काम करता है, मतलब ये अशोक है, ये नितिन है, मतलब अगर अशोक 3 यूनिट काम करेगा तो नितिन कितना करेगा, 1। ये इसकी इफ़िशेंसी है दोस्तों, इफ़िशेंसी मतलब क्षमता, उसका काम करने का ये क्षमता है, ये काम करने का इसका क्षमता है, ठीक है, ये इसका काम करने का क्षमता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये काम करने का क्षमता ये होता है कि एक दिन में अशोक कितना कर सकता है, 3 यूनिट कर सकता है, और नितिन एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है। मीन्स आपको बोला जाए तो नितिन मतलब एक दिन में अगर 1 ईंट जोड़ेगा तो अशोक, इसका मतलब ये अशोक एक दिन में 3 ईंट जोड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन में बोलता है देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क 40 डेज लेस। ये एक दिन में ज़्यादा यूनिट भी बनाएगा, तो ये अब देखिए डेज का बात कर लें तो बोला गया है कि 40 दिन लेस मतलब 40 दिन नितिन से कम, 40 दिन से पहले ही ये नितिन से पहले ही ये अशोक जो काम फिनिश कर लेगा। तो देखिए दोस्तों जैसे इफ़िशेंसी यहाँ गिवन है, आपको डे निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, इसका रेशियो का आप अपोजिट में कर दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 दिन लगेगा, और ये 3 है तो यहाँ 3 कर लीजिए, तो ये 1 दिन लेगा और ये लेगा 3 दिन, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया है कि ये डे का डिफरेंस दोस्तों, ये डे का है, इफिशियंसी का डिफरेंस नहीं है। तो देखिए एक और यहाँ तीन, ये दोनों का देखिए डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस दो है, ठीक है। ये दो कितने के बराबर है दोस्तों, 40 दिन लेस। ये दो कितने के बराबर है, 40 दिन के बराबर है, 40 डेज के बराबर है, ठीक है दोस्तों। ये जो दो है, दो का डिफरेंस यहाँ है, दो का डिफरेंस ये कितने दिनों का है, 40 दिन का है। तो एक का कितना हो जाएगा, 20, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ एक है तो इसका डे कितना हो गया, ये कितना हो करेगा 20 डेज में, 20 डेज में। और ये कितना, 3 है तो एक में 20 है तो 3 में कितना, 60 डेज। मतलब नितिन एक यूनिट से काम करेगा तो ये 60 दिन लगेगा, और अशोक 3 यूनिट एक दिन में करेगा तो 20 दिन में काम फिनिश कर देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ टोटल वर्क अब निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 × 20 कर लीजिए, नहीं तो आप 1 × 60 कर लीजिए, यही होगा टोटल वर्क। तो आप यहाँ 3 × 20 कर लीजिए, नहीं तो 1 × 60, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। 20 ये यहाँ कितना आ गया, टोटल वर्क आ जाएगा। अब टोटल वर्क आ जाए तो बोला क्या गया है दोस्तों, कि इसमें बोला गया है कि दोनों मिलके इस टोटल वर्क को, दोनों मिलके ये टोटल वर्क आया है, ये दोनों मिलके कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखिए एफिशिएंसी, एक अशोक एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है, और नितिन एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है। तो यहाँ टोटल कितना, एक दिन में 4 यूनिट बना दे रहा है, दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट। और काम कितना, 20 से 60 यूनिट। तो ये 60 टोटल वर्क में, ये टोटल वर्क में आप 4 से डिवीज़न दे दीजिएगा, 4 से आप डिवीज़न दे दीजिएगा, तो यहाँ 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 750 रुपया, ठीक है, टोटल 750 रुपया है, इसमें आपको 1750 रुपया है। तो 1750 रुपया को एक कुछ अमाउंट, 1750 में से कुछ पार्ट आप 7% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और कुछ को 11% पे आप दे रहे हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो बोला गया कि टोटल इंटरेस्ट जो टोटल है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ 4 साल बाद वो 706 रुपया है। मतलब बोलने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 के द्वारा प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 के द्वारा जितना अर्जित किया गया वो कितना है, 706 रुपया, ठीक है। तो बोला गया है कि 7% और 11% के मनी का जो लोन पे उधार पे दिया गया था उसका रेशियो बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका सिंपल स्टैंडर्ड 1750 रुपये है, तो हम मान लेते हैं कि पहले पे 100 रुपये था, ठीक है, इसको 7% पर दिया गया तो 7% लिख दिए, और ये 4 साल तो यहाँ 4 कर दिए अपॉन 100। फिर आप सिंपल इंटरेस्ट 2, मतलब देखिए एक तो एक्स चला गया, अब टोटल 1750 है तो आप 1750 में एक्स माइनस कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट इसमें आ जाएगा आपका। तो 700 1750 माइनस आप एक्स कर लीजिएगा, और ये भी कितना है, 11% पर है, तो 11 × 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 706। दोस्तों आप इसे आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, एक्स इज इक्वल टू 400, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आपका इसका रेशियो और इसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए फोर हंड्रेड 7% जो दिया गया, 7% पर कितना है, एक्स है, देखिए 7% पर एक्स है, तो यहाँ एक्स का जो निकाले हम लोग 400 लिख दिए, फिर अपॉन, फिर बोला गया 11%, 11% पर आप 1750 माइनस एक था, तो आप इस 400 को 1750 से माइनस कीजिएगा तो 1350 रुपये बचेगा। तो यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ 8/27, ये आपका रेशियो दोस्तों आया आंसर, यही रहा आपका आंसर। ये रहा आपका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ए कैन ए कंप्लीट्स द वर्क 12 डेज, ए
किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी कंप्लीट द सेम वर्क उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ आप ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 60 प्राप्त हो जाएगा, 60 प्राप्त होगा, यही हमारा क्या रहेगा टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब 60 आया, अब ए के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, आप 60 में आप 12 से डिवीजन किया तो 5 यूनिट, और 60 में आप 15 से डिवीजन कीजिएगा तो कितना आया 4 यूनिट। मतलब ए के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया है 5 यूनिट, और बी के द्वारा कितना किया गया 4 यूनिट। ठीक है, अब बोला गया है कि ए स्टार्ट वर्किंग एलोन, मतलब ए अकेले वर्क स्टार्ट किया है और आफ्टर 3 दिनों बाद बी ज्वाइन किया है। मीन्स आपका बोलने का मतलब है कि ए अकेले 3 दिन काम किया है, मतलब ए अकेले 3 दिन काम किया है तो ए एक दिन में कितना कर रहा है दोस्तों 5 यूनिट, और 3 दिन तक अकेले काम किया, देखिए 5 और 3 दिन, एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है तो 3 दिन में कितना होगा, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 यूनिट। मतलब ए 15 यूनिट ये काम कर लिया है, तब जाके बी ज्वाइन किया है, बी ज्वाइन किया ना दोस्तों, तो देखिए टोटल वर्क में 60 है। अब 60 में से रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे, रिमेनिंग वर्क तो आप 60 में से जो ए के द्वारा पहले 3 दिनों में कर लिया गया 15, आप 15 माइनस कर दीजिए तो आपके पास 45 यूनिट। मतलब अब आपके पास जो काम कितना बचा है, आपके पास काम कितना बचा है 45 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास 45 यूनिट बचा है, और क्या बोला गया है कि अब इसके बाद ये 45 यूनिट ये दोनों मिलके 45 यूनिट कितने दिनों में कंप्लीट हो कर देंगे, तो देखिए दोस्तों ए 5 यूनिट, बी 4 यूनिट, आप ये दोनों का आप सम कीजिएगा तो 9 यूनिट। ठीक है, ये दोनों का सम कीजिए 9 यूनिट, ये दोनों मिलके 9 यूनिट बना रहे हैं, और टोटल में 45 यूनिट काम करना है, तो आप तो हमको कितना दिन और लगेगा दोस्तों, तो 45 है, मैं आप 9 से डिवीजन कर दीजिए, 45 में आप 9 से डिवीजन कर दीजिए तो 5 डेज, जो 3 दिनों बाद जो ये दोनों ज्वाइन करेंगे, 3 दिनों बाद बी के द्वारा ज्वाइन किया जाएगा तो रिमेनिंग जो काम है वो 5 दिनों में फिनिश कर दिया जाएगा, ए बी दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें बोला गया है कि 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है, यदि चावल 54 रुपये प्रति किलो पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होता है, तो आपका ये लॉस है इस टाइम, इसमें लॉस है तो 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा 1/10, 1/10, तो ये 10 है, ये कॉस्ट पैसे आपको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो 10 में से एक माइनस कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। मीन्स आपका बोलने का मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख लीजिए, यहाँ सेलिंग प्राइस, तो ये 10 है आपका कॉस्ट प्राइस, 10 में कॉस्ट प्राइस से एक का नुकसान हो गया, माइनस से एक का नुकसान हो गया, तो 9 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये आपका जो 9 यूनिट निकल के आया, ये 9 यूनिट ये गिवन है 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, ये क्वेश्चन में गिवन है 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। देखिए दोस्तों 9 यूनिट का दाम कितना है 54 रुपये, तो एक का हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट, ठीक है 6 यूनिट हो जाएगा, एक का 6 यूनिट हो जाएगा, तो देखिए एक यूनिट का 6, तो आप इस ये यूनिट में चल रहा है तो ये 10 यहाँ 9 है, तो देखिए एक यूनिट का दाम है 6 रुपये पर केजी, तो यहाँ 10 यूनिट का कितना हो जाएगा 60 रुपये केजी, और यहाँ 9 का तो 54 रुपये क्वेश्चन में दिया गया है, तो देखिए दोस्तों यहाँ देखिए 60 रुपये पर केजी चावल आपने ख़रीदा है, 54 रुपये बेच रहा है, तो आपको 10% का नुकसान हो रहा है यहाँ। अब बोला गया है कि ये कॉस्ट पैसे 60 रुपये पर केजी है, इसको आप कितने पे बेचे हैं कि आपको 20% का प्रॉफिट हो, तो आप 60 का सिंपल कुछ नहीं कीजिए, 60 का 20% आप निकाल दीजिए, 20% प्रॉफिट निकाल दीजिए, तो 120/100, तो आपको कितना आ जाएगा 72 रुपये पर केजी, आप 72 रुपये पर केजी बेचिएगा तो आपको 20% का फ़ायदा होगा, तो ये आपका रहा आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि कोई 3 पाइप है, दो पाइप है वो भरने का काम कर रहा है और तीसरा पाइप पानी निकालने का काम कर रहा है, और बोला गया कि शुरू में ये तीनों पाइप एक साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद पाइप सी को क्लोज कर दिया गया है, तो
पाइप सी क्लोज कर दिया है, निकालने वाला पाइप मतलब पानी निकालने वाला पाइप क्लोज कर दिया गया है, सिर्फ फिल करने वाला ए और बी पाइप फिल कर रहा है। तो ये पूरा मतलब बिगिनिंग से शुरुआत से लेके ये 13 घंटे में फिल कर देता है। तो पूछा गया है कि कितने देर बाद पाइप सी को क्लोज किया गया है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ए ए कितना टाइम लग रहा है, 20 आवर्स, बी के द्वारा 25 आवर्स, पच्चीस आवर्स, सी के द्वारा कितना लग रहे हैं, 50 आवर्स। ये दोस्तों ये एम्प्टी कर रहा है, सी के द्वारा एम्प्टी का एम्प्टी किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख दे रहे हैं, और ए और बी के द्वारा भरा जा रहा है, तो हम इसको प्लस हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। तब आप ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 100। तो देखिए दोस्तों ए बी सी, तो देखिए टोटल ये हमारा टोटल वर्क आ गया 100 यूनिट। तब 100 यूनिट है, आप 20 20 में 100 को आप 20 से डिवीजन करिएगा तो ए का निकल जाएगा, तो ए कितना करेगा, 5 यूनिट पर आवर, मतलब तो 1 घंटा में ये 5 यूनिट भरेगा। इसी तरह आप 100 में आप 25 से डिवीजन करिए तो बी का निकल जाएगा 4 यूनिट पर आवर। इसी तरह आप 100 में 50 से डिवीजन किया तो 2 यूनिट, मतलब बोलने का मतलब है कि 5 यूनिट ए के द्वारा भरा जाएगा, ये भी भरा जाएगा, ये निकाला जाएगा, मतलब ये निकाला जाएगा। तो 5 4 9 -2, तो मतलब ये तीनों मिलके 1 घंटा में 7 यूनिट बनाएगा, 7 यूनिट पर आवर। तो बोला गया है कि बिगनिंग से शुरुआत से कितना, मतलब ये शुरुआत से ये भरा, तो मतलब देखिए आपको यहाँ क्या है कि शुरुआत से भरा गया तो ये 13 आवर लगा है, तो 7 यूनिट 1 घंटा में भरा है। तो आप देखिए तो टोटल 13 घंटा लगा भरने में, तो आप 7 13 × 7 कर दीजिए, तो यहाँ आपका मतलब 91 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका 91 यूनिट, क्योंकि टैंक में भरना कितना, 100 यूनिट भरना है, और 91 यूनिट भरा गया है। देखिए 100 यूनिट भरना है और 91 भरा गया, तो माइनस कर देते हैं तो ये बचा कितना, 9 यूनिट। अब देखिए ये 9 यूनिट है, ये आपका भरना है, तो ये भरना है दोस्तों, कोई पाइप नहीं लगाएंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम जो सी है एम्प्टी वाला पाइप है, इसी को हम क्लोज कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि पानी निकलेगा नहीं, तो जो पानी रहेगा बचा रहेगा, तो वो 9 यूनिट जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, सी के द्वारा किया जाएगा, जो कि ये निकालने का काम जो कर रहा था अब इसको बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये 9 यूनिट सी के द्वारा किया जाएगा काम, और जो सी जो निकाल रहा है अब वो बंद हो जाएगा। तो देखिए 2 यूनिट 1 घंटे में, मतलब 2 यूनिट ये 1 घंटे में निकाल देता था, ठीक है। तो अब ये 2 यूनिट निकालेगा नहीं, तो और टोटल 9 यूनिट मेरे को क्या करना है और इसमें भरना है, तो जो भरने के बजाय वो जो निकाल रहा था सी, हम उसको निकालेंगे नहीं। तो ये 2 यूनिट 1 घंटा में था, तब ये 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का क्या हो गया, 4.5 घंटा, मतलब 4.5 घंटा आपका बोलने जाए, 4.5 घंटा हम सी पाइप को बंद कर देंगे तो हमारा 9 यूनिट जो पानी है जो निकालने के बजाय बचा रह जाए। तो जो हमारा 91 यूनिट था भरा चुका था 91 यूनिट, और 9 यूनिट यहाँ से आ जाएगा तो 100 यूनिट में काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ टोटल जैसे टाइम था, टोटल टाइम 13 दिए हुए था, तो 13 में से 4.5 घंटे को हम माइनस कर देंगे तो हमारा 8.5 घंटा, मतलब सी निकालने वाला जो पानी जो निकाल रहा था मात्र 8.5 घंटा चला, और लास्ट के 4.5 घंटा बंद कर दिया गया। तो जो 4.5 घंटा जो बंद कर दिया गया उससे आपका 9 यूनिट जो 9 यूनिट रिमेनिंग था वो आ गया, तो 91 में 9 यूनिट आप जोड़ दिया तो 100 यूनिट टोटल आपका वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ बोला गया कि कितने देर बाद सी को बंद कर दिया, तो सी को बंद कर दिया गया 8.5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि दो पाइप है जो कि अलग अलग है, एक 12 मिनट में भरता है, एक 16 मिनट में किसी टैंक को भरता है, ठीक है। फिर बोथ पाइप ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम। चलिए हम बढ़ते हैं, अब ए 12 मिनट में, बी 16 मिनट में,
आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 48 आएगा, ठीक है। तो ए और बी, तो ए 12, आप 48 में 12 से डिवीजन कीजिएगा तो 4, और 48 में 16 से डिवीजन कीजिएगा तो कितना आएगा 3। मतलब ये दोनों मिलके 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोस्तों कि बोथ पाइप क्लॉक्ड, मतलब जाम हो गया, मतलब वो जाम हो गया तो उसके कारण क्या हो गया, ओनली 7/8 ऑफ फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पहले वाला पाइप से, मतलब ए पाइप से आपका मतलब 7/8 ही पानी निकल रहा था, पहले 4 निकल रहा था, अब 7/8 निकल रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, 4 का आप 7/8 की करिए, तो 7/8 करिएगा तो कितना आएगा, ये आपका 3.5 आ जाएगा। मतलब वो जाम के वजह से पहले 4 यूनिट पहले ये फ्लो करता था, अब से 3.5 यूनिट हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि 5/6, मतलब 5/6 थ्रू द लेटर पाइप, अगले वाला पाइप से 5/6 पार्ट वाटर फ्लो हो रहा है, तो आप 3 का 5/6 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से 2 टाइम्स, तो यहाँ 2.5। मतलब यहाँ टोटल आपका कितना आ गया दोस्तों, 6। ये 6 कब, ये क्लॉक्ड का है जब वो जाम है, अब ये क्या है, नॉर्मल का है जब वो फ्री है। तो ये बोला गया दोस्तों कि इसमें फिर आगे बोला गया है कि सडनली ये जो जाम था हटा दिया जाता है, ये जो जाम था देखिए, ये क्लॉक में क्या है, 6 यूनिट आ रहा है दोनों मिलके, और ये जब नॉर्मल है बिना कोई जाम का बिना कोई रुकावट का तो 7 यूनिट भर रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि बोला गया है कि रिमूव करने पे जो सिस्टम है 3 मिनट में, मतलब उस पॉइंट से, मतलब जैसे आप उसमें आप उसको रुकावट को हटा दिए तो उस पॉइंट से 3 मिनट, उस मूवमेंट से 3 मिनट तक ही, 3 मिनट सिस्टम वॉज फिल इन 3 मिनट, उसके बाद ये 3 मिनट भर जाता है। मतलब बोलने का मतलब है दोस्तों कि 3 मिनट लास्ट के 3 मिनट में एक अपने नॉर्मल स्पीड से चला, ठीक है। देखिए 1 मिनट में कितना भर रहा था, 7 यूनिट, अब 3 मिनट में कितना भर देगा दोस्तों, तो 7 × 3 तो 21 यूनिट ये काम कर देगा, ठीक है दोस्तों। और आपके पास टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 48, और इसमें से लास्ट के 3 मिनट ये काम हो गया, तो आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 और 2, मतलब 27 यूनिट काम कर दिया गया है, ठीक है। अब 27 यूनिट जो काम किया गया है, तो वही पूछा गया है कि ये जो पाइप जो जाम था तो कितने देर तक ये पाइप को, फॉर हाउ लॉन्ग द पाइप्स वर क्लॉग्ड, कितने देर तक वो पाइप जाम था। तो ये दोस्तों, ये तो पाइप नॉर्मल में ये 21 यूनिट काम करती है, अब ये जो 27 यूनिट जो काम किया, ये काम हुआ ये जब पाइप जब क्लॉग था तब हुआ। तो आप ये 27 है, आप ये क्लॉक्ड वाला कितना दोनों मिलकर कर रहा है, 6 यूनिट पर आवर, तो आप इस 6 27 में आप 6 से आप डिवीजन दीजिएगा तो आपको यहाँ आ जाएगा 4 and 1/2, मतलब इतना मिनट में आपका टैंक फिल हो जाएगा, 4 and 4.5 मिनट में इसको टाइम लगा है। मतलब क्लॉक जो पाइप था, मतलब 4.5 मिनट ये पाइप मतलब जाम रहा, उसके बाद ये 3 मिनट अपने नॉर्मल फ्लो से फ्लो हुआ। तो दोस्तों ये आपका 4.5 मिनट